हम पढ़ रहे हैं अभी गुड बुक्स, यानी कि अच्छी किताबें। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, देखते हैं इसको अच्छे से। गुड बुक्स आर फ्रेंडली थिंग्स टू ओन। अच्छी किताबें हमारे लिए दोस्त की तरह हैं। इफ़ यू आर बिजी दे विल वेट। यदि आप व्यस्त हैं, किसी काम में हैं, तो वे प्रतीक्षा करेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। दे विल नॉट कॉल यू ऑन द फोन और वेक यू इफ द आवर इज लेट। वे आपको कभी फोन नहीं करेंगे और आपको कभी जगाएंगे भी नहीं। अगर आप सोए हुए हैं तो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, आपको फोन भी नहीं करेंगे। दे स्टैंड टुगेदर रो बाई रो अपॉन द लो शेल्फ और द हाई। तख्ती के नीचे और ऊपर वे पंक्ति में साथ खड़े होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है शेल्फ और इसमें पंक्ति में ये किताबें खड़ी हैं, नीचे और ऊपर दोनों साइड में, ठीक है ना। लाइब्रेरी में अक्सर आप देखते होंगे स्कूलों में। बट इफ़ यू आर लोनली दिस यू नो यू हैव ए फ्रेंड और टू नियर बाई। अगर अगर आप अकेले थे और ये जानता है कि आप अकेले थे, तो यू हैव ए फ्रेंड और टू नियर बाई, तो एक या दो किताबें आपके आसपास होती थी। आपका दोस्त भले रहे या ना रहे, लेकिन ये किताबें आपके पास रहती थी जब आप कभी अकेले होते थे। द फ्रेंडशिप ऑफ बुक्स इज रियल। किताबों की दोस्ती असली दोस्ती है। दे वर नेवर नॉइजी वेन यू आर स्टिल। जब आप होते हैं वे कभी शोर नहीं करते थे। दे वोंट डिस्टर्ब यू एट योर मील। जब आप खाना खा रहे होंगे तब यह आपको परेशान नहीं करेगा। दे विल कम्फर्ट यू। दे विल कम्फर्ट यू वेन यू आर इल। जब आप बीमार होंगे तब वे आपको आराम देंगे। दे विल हेल्प यू पास द टाइम अवे। दे विल हेल्प यू। वे आपकी समय व्यतीत करने में मदद करेंगे। दे विल गिव यू एडवाइस इफ़ यू नीड। वे आपको ज़रूरत पड़ने पर सलाह देंगे। यू हैव ट्रू फ्रेंड्स फॉर नाइट एंड डे। आपके पास रात और दिन के लिए सच्चे दोस्त हैं। इफ़ यू हैव सम गुड बुक्स टू रीड। यदि आपके पास पढ़ने के लिए कुछ अच्छी किताबें हैं। तो ये था इंग्लिश टू हिंदी गुड बुक्स पोएम का। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स।